दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एड्रेस के एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बिलाल अहमद जी के मछली पालन फार्म पे आए हुए हैं, जहाँ पे सर लगभग 50 बीघे में यहाँ पे मछली पालन का काम करते हैं। इनके पास बत्तख भी देखने को मिलेगा आपको, कुछ बकरे भी इनके पास देखने को मिलेंगे और कुछ देसी मुर्गियाँ भी ये अपने पास में पालन कर रहे हैं। तो सबके बारे में बात करेंगे, क्या है इनका बिजनेस मॉडल, कितना ये रेवेन्यू यहाँ से कमा रहे हैं, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। तो सर सबसे पहले ये माइक लगा लीजिए आप। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जितने भी किसान भाई आपको देख रहे हैं सामने से, उनके लिए अपने फार्म का और अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम बिलाल अहमद जी, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ जी, गांव का रह गए। ओके, तो थोड़ा सा फार्म में चलते चलते बात करेंगे और आपको भी दिखाते चलेंगे। यहाँ पे सर का ये फर्स्ट इंटरेस्ट पे ही आप देख सकते हैं ऑफिस है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे पूंजी सर ने यहाँ पे लगाया हुआ है और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ऑफिस बनवाए हुए हैं। और साइड में ही आपको दिखा देंगे यहाँ पे सर का गार्डन है, जहाँ पे काफ़ी मतलब अलग अलग प्रकार की मेडिसिन प्लांट वो लगाए हुए हैं और मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा प्लांट है आप लगाए हुए हैं। और यहाँ पे साइड में आपको दिखा दें कि सर यहाँ पे फैंसी कबूतर का भी पालन कर रहे हैं, जो कि शौकीय तौर पे आप रखे हुए हैं जी, जी। और बगल में आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कुछ भैंसे देख रहे हैं, एक गिर नस्ल की गाय भी देख रही है सर, ये पूरा अपने लिए अपने लिए। और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे क्वालिटी जो देखा जाए, मुर्रा नस्ल की भैंस है जो कि काफ़ी महंगी आती है, गिर नस्ल की गाय है जो कि काफ़ी रेयरली यहाँ पे मिल पाता है, कहीं मतलब 50 गांव में एक है। बिल्कुल, वो भी प्योर क्वालिटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो काफी लोग चाहते हैं इसको पालन करना लेकिन मिल नहीं पाता, ज्यादातर ये राजस्थान और हरियाणा साइड ही मेरे ख्याल से देखने को मिलता है। ये गुजरात की, गुजरात से। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे फार्म पे आपको दिखा दें सर के पास में दो गाहट डॉग भी है, एक पिटबुल और एक लेबरा डॉग है, जो की काफी खतरनाक देखने में लग रहे हैं। तो फार्म के लिए गाहट डॉग चाहिए, फार्म के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉग तो सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप लगभग बत्तख पालन भी देख रहे हैं, मछली पालन तो कर ही रहे हैं आप, साथ में मुर्गी का भी कई प्रकार की वैरायटी आप यहाँ पे सर पालन कर रहे हैं जी। थोड़ा सा बताइए कि सर एरिया कितना है और कौन कौन सा चीज़ का भी पालन हो रहा है यहाँ पे। जैसे 50 बीघे में मैं फिश फार्मिंग जो कर रहा हूँ जी, और उसके बाद मैं ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब प्लानिंग मेरी अभी, मैं ये मुर्गी बत्तख बकरा ये जो सब है इसके लिए सेटअप ये नया बनाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी मुझे सीखना है एक तरीके से। अच्छा, इसके बारे में, फिश के बारे में नहीं, ये सब जो है सीखना है, उसके बाद फिर मैं आगे जी। तो ये आपने फर्स्ट टाइम ही इसको अभी डाले हुए हैं? अभी फर्स्ट टाइम, मतलब अभी शौक के पर्पस से। मछली पालन करते हुए आपको कितना समय हो गया? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए जी। और 7 साल से मछली पालन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी किस किस वैरायटी में मछली पालन कर रहे? मेरे यहाँ रूपचंदा है, फंगास है, रोहू, भाकुर, कतला जी। हाँ, सारी मछलियाँ, तिलापिया भी है जी। बहुत बड़े लेवल में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप मतलब ये जमीन का इस्तेमाल करके और मछली पालन कर रहे हैं जी। सर पूरा निजी आपका ही हुआ कि लीज पे भी जमीन है यहाँ? नहीं नहीं, ये हम जिस साइड खड़े हैं ये सब जो दिख रहा है जी, ये सब हमारा कुछ लीज पे भी है, कुछ लीज पे भी है। ठीक है। और सब में लगभग मछली पालन किया जा रहा है सब। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सालों भर मछलियों का आप उत्पादन करते हैं जी, और हर प्रकार की मछली हमारे यहाँ 12 महीने अवेलेबल होगी मछली जी। जी बिल्कुल। थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मछली में कौन कौन सी वैरायटी पालन कर रहे हैं और उसमें अलग अलग मछलियों को वैरायटी में पालन में क्या दिक्कत आता है या मछली कौन सी मछली का क्या बेनिफिट है पालन का, उसके लिए क्या पानी होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। पानी पहले तो सबसे पहले पानी जो है पानी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पानी के बारे में जो नॉलेज जी। आप कहावत है कि मछली पालने से पहले पानी पालना पड़ेगा। अच्छा जी। आपको जी बिल्कुल। अब मछली अब एरिया कितना है, आपको कितना सीड की ज़रूरत है, कितना बड़ा सीड होना चाहिए, इसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो फार्मर है उनके अंदर नॉलेज नहीं होता, एक बीघे में 10,000 सीड डालते हैं। अच्छा जी। हाँ, और छोटा सीड इसमें ग्रोथ नहीं आता। अच्छा जी। हमारे किसान भाई इसकी वजह से थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो किसानों को कहीं ना कहीं ये भी एक समझ में नहीं आता है कि वो अगर फर्स्ट टाइम कोई किसान भाई करते हैं तो उनको काफ़ी कम समझ में आता है कि वो बच्चा जैसे कि कितने लाइन का या कितने ग्राम का डालें। बच्चा 100 से 150 ग्राम का, 1 साल पुराना बच्चा कोशिश करें कि डालें। अच्छा, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। हाँ, और क्वांटिटी थोड़ा से आप अपने तालाब के हिसाब से क्वांटिटी जो है, एक बीघे में आप 2000 का पालन कर सकते हैं। 2000 का पालन कर सकते हैं। 2000 मछली आप पालन कर सकते हैं। और बच्चा कहीं ना कहीं जितना पुराना होगा उतना बेहतर होगा। जितना पुराना बच्चा होगा उतना अच्छा ग्रोथ होगा उसका। छोटे बच्चे में कोई मतलब टाइम बहुत ज्यादा होता है, ग्रोथ नहीं होता तो लोग परेशान हो जाते हैं कि मछली सीड खराब है, ये खराब हो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वांटिटी के हिसाब से फिर पानी आपका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो किसान भाई कहीं ना कहीं गलती यही करते हैं कि वो छोटा बच्चा लाते हैं लालच के चक्कर में कि कम पैसे में ज्यादा बच्चा मिलेगा,
ठीक है। और किसान भाइयों का वो उनका टारगेट लेकर के चलते हैं कि 5 से 6 महीने में हमें 1 kg तैयार कर लेना, जैसे पंगास की बात की जाए, प्यासी की बात की जाए। ये देखिए फार्मिंग पर्पज से होती है फंगास से रूपचंदा, ये 5 महीने में फीड पे डिपेंड है, ये आप कर सकते हैं जी। रोहू कतला ये सब नहीं हो सकता जी। अब सीड डालने इतना बड़ा आपको मतलब 5 महीने 6 महीने पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं कि वो तैयार हो पाए। नहीं पॉसिबल, उसके लिए वो कहीं ना कहीं आपको बच्चा जहाँ से ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको पता करना होगा कि बच्चा कितना पुराना है। बच्चा पुराना है, बच्चा आपको 100 से 150 ग्राम का बच्चा आप डालिए, आपको 5-6 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे आप अपना खुद का सर बच्चा तैयार कर रहे हैं तो आपको तो कोई शिकायत नहीं है कि बच्चा, हम मैं हर चीज प्रैक्टिकली खुद करता हूँ बिल्कुल, तो मुझे उसका नॉलेज बेटर है जी 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 बिल्कुल। सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप देसी मछली का पालन कर रहे हैं, रूपचंदा और प्यासी सबका तो काफी अपने लोकल मार्केट में काफी अच्छा डिमांड होता है। कुछ थोड़ा सा मतलब महंगे प्रजाति में जैसे कि तलापिया आपके पास हम देख रहे हैं सर, जो कि आपका मेरे ख्याल से तलापिया जो हम हमारे यहाँ तो अभी कुछ दिन पहले ये बता रहे हैं फ्री में सेल हो रही थी, फ्री में सेल हो रहा, फ्री में लोग फ्री में सेल कर रहे थे, मतलब ये समझ लीजिए कचरा था तालाब का। अच्छा जी। हाँ, किसी को नॉलेज नहीं था, यहाँ लोग मतलब फ्री में मतलब, अब वही तलापिया की मार्केटिंग थोड़ा सा अब हमारे यहाँ यूपी में अच्छा बन गया है जी। तो तलापिया का भी मार्केट काफी अच्छा बन गया है। हाँ, तलापिया अगर 500-600 ग्राम की तलापिया आपके पास है जी, तो फंगस से अच्छी मार्केट, फंगस से अच्छा रेट में मतलब जाएगा। ठीक है, अभी बात कीजिए कि सर यहाँ पे लगभग आपका जो चैन बना हुआ है कि आप सालों भर मतलब यहाँ से मछली उत्पादन करते रहते हैं और सप्लाई के लिए कहीं जाना भी पड़ता है कि नहीं? नहीं, मैं कहीं नहीं जाना पड़ता है, सप्लाई हमारे यहाँ से खुद लेके आते हैं, जो मछली सेल करने में सब लोग आते हैं, इलाहाबाद, फूलपुर, जौनपुर, आजमगढ़, हर जगह के लोग आते हैं मछली। हाँ, तो पर डे मतलब सीजन वाइज नहीं देखा जाता, हमेशा मछली यहाँ से सेल होता रहता है। आप ठंडक में थोड़ा सा फंगेसिया सा रूपचंदा में दिक्कत आती है, बस कहीं ना कहीं ग्रोथ ना होने के कारण, ग्रोथ ना होने की नेटिंग की वजह से अच्छा जी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है मछली, तो हम लोग नेटिंग नहीं करते ठंडक में, नेटिंग नहीं करते सिर्फ रूपचंदा और फंगेसिया। ओके 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे अभी बात कीजिए कि सर फार्म से भी क्या रेट में निकाला जा रहा है मछली की बात कीजिए। फिलहाल आज की डेट में जो हमारी फंगेसिया है वो मान के चलिए 95-96 रुपये की फिलहाल आज की। अच्छा जी। हाँ, रूपचंद जो 130 हमारे यहाँ थोड़ा सा प्यासी, हाँ से वो थोड़ा से क्या होता है वो फंगेसिया और रूपचंदा में क्वांटिटी का फर्क हो जाता है पालन में। अच्छा जी। अगर 10,000 आप फंगेसिया पालते हैं तो 2,000 आप रूपचंद पाल सकते हैं, इतना का डिफरेंस होता है। वो ऑक्सीजन पर्पस पे, जैसे ऑक्सीजन का काम फंगेसिया तो विदाउट ऑक्सीजन, अच्छा वो कम भी ऑक्सीजन में हाँ सर्वाइव कर लेती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो रूपचंदा और पंगास आप डालते हैं सर, मोस्टली ज्यादातर यही आपके पास मछलियाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसान भी ये पालना पसंद करते हैं क्योंकि कम समय में अच्छा ग्रोथ दे जाती है। बिजनेस पर्पस के लिए जिससे आदमी इन्वेस्ट करता है जी, तो उसको रिजल्ट चाहिए, टाइम ज्यादा लगेगा तो इन्वेस्ट करने फिर आदमी को दिक्कत आती है, तो 5 से 6 महीने में आपको रिजल्ट इसका आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 5 से 6 महीने मतलब केजी साइज आराम से आ जाता है अगर बच्चा हम सही डाल रहे हैं तो। बच्चा आप सही डाल रहे हैं, बच्चे की आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए, फीड परसेंटेज पता होना चाहिए, कितना परसेंटेज फीड खिला रहे हैं जी जी जी। कहीं कहीं फीड ज्यादा खिलाना भी नुकसानदायक हो जाता है, कोई फायदा नहीं। आप मछली को ज्यादा फीड खिला के आप ये समझ में दिमाग में है कि 4 महीने की जगह 3 महीने में तैयार कर लें, कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बिल्कुल। और यहाँ पे एक मतलब एक तरह से देखा जाए कि सफल सर बिजनेस यहाँ पे चला रहे हैं, इंजीनियरिंग सर का बैकग्राउंड था बट इंजीनियरिंग छोड़ करके आपने सोचा कि अपने गांव में बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहावत है कि लोग कहते हैं कि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब काम कर सकता है सिवाय इंजीनियरिंग के, ठीक है। वही सर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कर भी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे सर नया शेड भी बनवा रहे हैं, अभी जाली लगा करके फर्श से नीचे फर्श डलवा करके, और यहाँ पे मुर्गियों के लिए, कबूतर के लिए और बत्तख भी आपके पास हम जो कुछ देख रहे हैं, बत्तख का भी मेरे ख्याल से बड़ा बेनिफिट होता है तालाब में। हाँ, ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा, ऑक्सीजन बहुत बढ़िया बनाता, बीट भी यूज हो जाती है जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट एक तैयार हो रहा है और अभी सर जो है इंटीग्रेटेड मॉडल पे अभी पूरा ये शिफ्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे आने वाले समय में इनके पास काफी अच्छा चीज है और काफी एक सुंदर माहौल जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे काफी अच्छा खासा पूंजी तो सर लगाए हुए हैं बट ये भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफी अच्छा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं अपने बिजली के लिए आप सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं, तो कितने वाट का लगभग सोलर पैनल आपके पास? एक पैनल जो इस साइड है 3 kW का है, उस साइड जो है आप 10 kW का, 10 kW का जी। तो मतलब अपने फार्म के लिए बिजली यहाँ से मिल जाता है जी, बाहर से लेने की जरूरत नहीं, बाहर लेना पड़ता है क्योंकि ये जो है हमारा जो डीसी
ये है अच्छा, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो ये हमारा जो दिन में ही चलता है जी, रात में जरूरत पड़ती है तो बिजली भी यूज करनी पड़ती है। बट ये होने से मतलब काफी बिजली का बहुत ज्यादा बहुत 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 जैसे हमको क्या पानी की जरूरत पड़ती है जी, तो पानी अगर हमारे तालाब में ठीक है, रात में हमें जब कभी पॉन्ड्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिक्कत आती है तो ही रात में बिजली का यूज करते हैं, दिन में इससे जाती है। तो सर एक बार हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि यहाँ पे जो पूरा लागत हम देख रहे हैं सर, कितना इन्वेस्टमेंट लगभग लगाए हुए हैं यहाँ पे? देखिए जैसे मैं बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट लगाया था आपको बताया, स्टार्टिंग में 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च किया था। थी जब आपने पोखरी जी, से स्टार्ट जी, किया जी, जब मैं स्टार्ट मेरे पास 3 पॉइंट्स थे तो मैं 2.5 से 3 लाख रुपया स्टार्ट, फिर मैं उसी से बिजनेस अपना धीरे धीरे ग्रोथ किया जी, बिल्कुल सारे इन्वेस्टमेंट उसी से आगे करता गया। मतलब देखा जाए कि ओवरऑल अच्छा खासा ऑफिस आपने बनाया हुआ है जी, सब कुछ मैं बिल्कुल सेटअप वोटअप लगा करके मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाया हुआ है। और बात कीजिए कि सर मोस्टली इस यहाँ इस फार्म से आप अगर इंजीनियर बैकग्राउंड में होते तो मेरे ख्याल से इतना तो नहीं, बट कुछ बताना चाहें टर्नओवर या रेवेन्यू बताना चाहें मंथली वाइज या सालाना वाइज कि क्या हो जाता है? जैसे आप फार्मिंग जो भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि 50 बीघे में आप कर रहे हैं नाम से कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। 50 बीघे से नहीं मतलब आप प्रोडक्शन कितना आप खर्च कितना कर रहे हैं तो आपकी आयु उसी हिसाब से आप, मैं जैसे फिलहाल अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 50 लाख कर रहा हूँ तो उसको मान के चलिए 10 से 15 लाख मैं सेव कर लूँ। नए किसानों के लिए कुछ बताना चाहें कि अगर कोई किसान भाई जैसे प्यासी मछली का ही पालन कर रहे हैं, मछली पालन अगर करना चाहते हैं तो कितना का रेवेन्यू ले सकते हैं, कितने क्वांटिटी में? जैसे अगर नए फार्मर जो हैं 1 एकड़ में अगर पालन कर रहे हैं तो सालाना मान के चलिए 10,000 फंगेसियस पे जी, हाँ कुछ IMC है फंगेसियस है दोनों से, मान के सालाना आप 3 से 4 लाख रुपया बचा सकते हैं। दो कल्चर ले सकते हैं, दो कल्चर ले सकते हैं जी, ठीक है। और 1 एकड़ की बात किया जाए जी, जी अगर सफल वो चला रहे हैं जी, जी और बढ़िया से मार्केटिंग कर रहे हैं, बढ़िया से देखभाल कर रहे हैं तो उतना तो आराम से बचत वही हो सकता है। जैसे कि आप अब 10,000 सीड आप डाल रहे हैं तालाब में, आपको ये होना चाहिए कि 10,000 है मेरे अंदर जी, आप फीड तो उस हिसाब से खिला रहे हैं बिल्कुल, आपको ये पता है कि 10,000 खिला रहे हैं, मगर आपका बच्चा 10,000 नहीं है तालाब में अगर तो आप लॉस हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसी हिसाब से खिलाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल फिर वेस्ट होगा तो फिर वही लास्ट में हार्वेस्टिंग के टाइम आपको दिक्कत आएगा कहने की। कोई चीज़ देखिए आप बिजनेस में लॉस है ही नहीं इसे जी, आप सही तरीके से हाँ सही तरीके से कि आपका अपनी लापरवाही की वजह से बिल्कुल लॉस होता है जी, आप अच्छे से देखिए आप मैनेज करिए तो आप लॉस नहीं होगा बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि बिजनेस में लॉस होता नहीं है अगर सही तरीके से आप करते हैं, क्योंकि कई किसान जो सफल हैं आप भी हो सकते हैं, बस तरीका आपको थोड़ा सा बदलना होगा। और हर बिजनेस की बात की जाए, चाहे ये मुर्गी पालन की बात की जाए, चाहे बकरी पालन की बात की जाए, चाहे वो डेयरी फार्म की बात हो या चाहे मछली पालन की बात हो, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये एक छोटा जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।